निवडून आले होते। साहजिकच ही अपेक्षा होती कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युतीचं सरकार तयार होईल। त्यावेळी माननीय पंतप्रधानांनी सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री बनेल अशा प्रकारची घोषणा देखील केली होती। परंतु दुर्दैवाने त्या निवडणुकीचे निकाल आल्यानंतर ऐलान भी मैंने किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की गतिविधियां हुई उसमें ये हो नहीं पाया। विशेषतः हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आज जन्म ज्यांचा विरोध केला अलग निर्णय लिया, बाळासाहेब ठाकरे जिन्होंने पूरी अपनी जो जीवन शैली है उसमें जिस पार्टी का साथ दिया उस पार्टी का साथ छोड़कर उद्धव ठाकरे ने दूसरी पार्टियों के साथ सरकार बनाई। अशा कांग्रेस आणि राष्ट्रवादी कांग्रेस सोबत जी बाळासाहेब ठाकरे का जो राजनीतिक जीवन रहा वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी के खिलाफ रहा, उसी राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ कोलिशन शिवसेना ने किया। जो मैंने वोट मिला था उसका इस तरह की सरकार बनना अपमान था। महाविकास आघाड़ी को जनता ने मैंडेट नहीं दिया था, बीजेपी शिवसेना की युति को जनता ने वोट दिया था। इस तरह से इस मैंडेट का पूरी तरह से अपमान हुआ था। महाविकास आघाड़ी अस्तित्व में आई, महाविकास आघाड़ी चालू असलेल्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या कामांना स्थगिती, महाविकास आघाडी के सरकार में जो इन्फ्रास्ट्रक्चर काम चल रहे थे वो रुक गए, आणि त्यातच प्रचंड भ्रष्टाचार हा देखील आपल्याला पाहायला मिळाला। महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये दोन मंत्री हे भ्रष्टाचार के इतिहास में दो मंत्री जो है जेल में है ऐसा पहले इतिहास में कभी नहीं हुआ। अशा प्रकारची गोष्ट होती कि मां खेदजनक, ये सरप्राइज करने वाली एक घटना है जो महाराष्ट्र में पहले कभी नहीं हुई। एकीकडे माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी सातत्याने देशाचा शत्रू असलेल्या दाऊदचा विरोध केला। एक तरफ बाळासाहेब ठाकरे ने दाऊद का जो देश का दुश्मन है उसका विरोध किया, म्हणून मंत्री जेल मध्ये जातो तर त्याला मंत्री पदावरून देखील काढण्यात आलं। दूसरी तरफ दाऊद से रिलेटेड एक मंत्री जेल में गया, जेल में जाने के बाद भी उसे मंत्री पद से निकाला नहीं गया। हिंदुत्वाचा अपमान, ये सावरकर का अपमान है, हिंदुत्व का अपमान है। संभाजीनगर झालं पण ते केव्हा झालं? आखरी दिन पे संभाजीनगर किया, त्यानंतर कुठलीच कॅबिनेट घ्यायची नसते। लेकिन संभाजीनगर कब हुआ? जब गव्हर्नर ने पत्र दे दिया था। तोपर्यंत कॅबिनेट घ्यायची नसते हा नियम आहे, तरीही कॅबिनेट घेऊन मग जाता जाता का पत्र आने के बाद कॅबिनेट नहीं लेना होता है, वो कॅबिनेट लेकर के फैसला लिया गया। अशा प्रकारचे निर्णय झाले, ते अर्थात येणाऱ्या सरकारला पुन्हा घ्यावे लागणार आहे, कारण ते वैर मानले जाणार नाही पण त्याला आमचं समर्थन असेल। डिसिजन है वो सरकार को आने वाली सरकार को फिर लेने पड़ेंगे क्योंकि ये जो पहले लिए हुए डिसिजन है वो वैलिड नहीं होंगे। माननीय श्री एकनाथराव शिंदे हे शिवसेनेचे गटनेते आहेत, आणि माननीय एकनाथ शिंदे शिवसेना के गटनेता है और शिवसेना के आमदारों का उनका सपोर्ट है, आणि उद्या त्यांच्याशीच लढायचंय आणि त्यांच्या सोबत जायचं, आणि उद्या हिंदुत्वावर मत मागायचे कसे, उद्या आम्ही कशाच्या भरोशावर बोलायचं? रोज अपमान होत असेल तर आम्ही कशाच्या भरोशावर लढायचं? आमच्याच मतदारसंघामध्ये आमचे हारलेले विरोधक यांना रोज जो लोक आमचे हारे आहे उन लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है इस सरकार में और हिंदुत्व के खिलाफ हर रोज इस सरकार में बोला जा रहा है, हम ये कैसे बर्दाश्त करें? या सर्वांनी निर्णय घेतला की इन सब लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया, काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबतची युती तोडा, काँग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ की जो युती है वो तोडना है।
ती युती ठीक आहे, ती आम्हाला मान्य आहे, पण काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत आम्ही राहायला तयार नाही। युती हमको मान्य है बट कांग्रेस और एनसीपी के साथ हम रहने के लिए तैयार नहीं। माननीय उद्धवजींनी या आमदारांच्या ऐवजी काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना जास्त प्रेफरन्स दिला। ये दुख की बात है कि कांग्रेस के उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के आमदारों के बजाय कांग्रेस और एनसीपी के आमदारों को प्रेफर किया। या सगळ्या परिस्थितीमध्ये आज ज्यावेळी हे सरकार गेलं, माननीय उद्धवजींनी या ठिकाणी राजीनामा दिला, त्यानंतर महाराष्ट्राला एक अल्टरनेट गव्हर्नमेंट देण्याची आवश्यकता होती। वारंवार ठाकरे रेजिग्नेशन दिया तो महाराष्ट्र को अल्टरनेट गव्हर्नमेंट देने की जरूरत है। आणि त्याच वेळेस मी सांगायचो, आपण विचारायचं मला की सरकार पडलं निवडणुका होतील का, त्याच मी आपल्याला सांगायचो की सरकार पडलं तर आम्ही अल्टरनेट गव्हर्नमेंट देऊ। कि सरकार गिरने के बाद क्या फिर से री इलेक्शन होंगे, तब मैं आपको यही कहता था कि सरकार गिरने के बाद एक अल्टरनेट गवर्नमेंट आएगी। इसीलिए एकनाथराव शिंदे यांच्या नेतृत्वामध्ये शिवसेनेचा विधिमंडळ गट, भारतीय जनता पक्षाचा विधिमंडळ गट आणि 16 अपक्ष आणि छोटे रजिस्टर्ड पक्षाचे आज शिवसेना का जो विधिमंडल का गट है, बीजेपी का जो विधिमंडल का गट है और 16 इंडिपेंडेंट एमएलए या सगळ्यांचे पत्र आज आम्ही सभी ने मिलकर गवर्नर को लेटर दिया है।